कल की क्लास के अंदर कुछ डाउट था? अच्छा नहीं तो फिर अपन आगे मूव ऑन करते हैं। अब पढ़ेंगे अपन टाइप थ्री ड्रेनेज एंड कैनाल। ड्रेनेज एंड कैनाल इंटरसेक्ट ईच अदर एट सेम लेवल, ठीक है। लेवल क्रॉसिंग पढ़ेंगे सबसे पहले कि बराबर लेवल पर क्रॉसिंग कैसे होती है। व्हेन द बेड लेवल ऑफ अ कैनाल एंड द स्ट्रीम्स आर एप्रोक्सीमेटली सेम एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कैनाल एंड स्ट्रीम इज नॉट मच डिफरेंट, द क्रॉस ड्रेनेज वर्क कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड लेवल क्रॉसिंग। Where water of canal and stream is also allowed to mix with the help of regulators both in canal and streams. Water is disposed through canal stream is required quantity. Level crossing consists of following component: crest wall, stream regulator and canal regulator. ये एक तरह से ये बता सकता हूँ अपन लोगों को ऐसे लेवल क्रॉसिंग होती है। यहाँ पर एक दरवाजा बना दिया जाता है और एक यहाँ पर दरवाजा बना दिया जाता है पानी को फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, उसे रेगुलेटर्स बोलते हैं। तुम लोगों को मैंने पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। देख लो इन दोनों का लेवल बराबरी पे ही है। देखो कैनाल के अंदर जब पानी फुल पे होगा तो उसे फुल सप्लाई लेवल बोलोगे, पर अगर रिवर के अंदर होगा तो उसे हाई फ्लड लेवल बोलोगे, ठीक है ना। ये देख लो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना वैसे ही है। लेवल क्रॉसिंग के अंदर यहाँ एक ये वाला रेगुलेटर रिवर रेगुलेटर बना दिया और एक कैनाल रेगुलेटर बना दिया। यह है रिवर रेगुलेटर और यह है कैनाल रेगुलेटर, ठीक है ना, पानी को कंट्रोल करने के लिए। और ये यहाँ पर क्रेस्ट वॉल बना दी गई है, ये है लेवल क्रॉसिंग। फिर है इनलेट एंड आउटलेट। व्हेन इरिगेशन कैनाल्स मीट अ स्मॉल स्ट्रीम और अ ड्रेन एट अ सेम लेवल, ड्रेन इज अलाउड टू एंटर द कैनाल एज इन इनलेट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द इनलेट पॉइंट। अ पार्ट ऑफ वाटर इज अलाउड टू ड्रेन एज आउटलेट which eventually meets the original stream. Stone pitching is required at the inlet and outlet. The bed and the banks between the inlet and outlet are also protected by stone pitching. This type of cross drainage work is called inlet and outlet. ये confused मत होना इसके short form से, cross drainage work ये, ठीक है ना। फिर है इनलेट एंड आउटलेट का ये डायग्राम देख लो कैसे है। यहाँ से स्ट्रीम से पानी इनलेट हुआ और यहाँ से ही पानी आउटलेट होके वापस बैठ गया। थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाता है इसके डायरेक्शन को, ये याद रखो। पहले जो स्ट्रेट एकदम सीधी सीधी जा रही थी ना, उसका रास्ता बदला गया। और ये कल से लक्ष्मण अगर दूसरी आईडी से ज्वाइन कर रहा है ना तो टाइम पे आएगा। ये होता है इनलेट और आउटलेट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ठीक है। कहाँ कैसी साइड पे कैसे अपन को ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क सेलेक्ट करना है वो वाली चीज है। be considered first a relative bed level. Bed level kaisa hona chahiye? According to the relative bed levels of the canal and the river or drainage, the types of cross drainage works are generally selected, which has been discussed earlier. But some problems may come at the crossing point. The following points should be remembered while recommending the types of work. A hai, crossing should be at a right angle to each other. ये तो कॉमन चीज है कि क्रॉसिंग हमेशा राइट एंगल को होगी, 180 डिग्री पे होगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, याद रखना। फिर वो पानी और उसमें फर्क क्या रखे।
दूसरा है वेल डिफाइंड क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवर और ड्रेनेज शुड बी अवेलेबल एट द क्रॉसिंग पॉइंट, द ड्रेनेज शुड बी स्ट्रेट फॉर कंसिडरेबल लेंथ. डी पॉइंट है द विड्थ ऑफ द ड्रेनेज शुड बी नैरो एज फार एज पॉसिबल. Considering the above point, the cross drainage can be shifted to downstream or upstream side. Availability for suitable foundation. Foundation रखने के लिए अपने पास ढंग की जगह होनी चाहिए. For the construction of cross drainage work, suitable foundation is required by boring test. If suitable foundation is not available, not available, then type of cross drainage work should be selected to the condition. Economic consideration. The cost of construction of cross drainage work should be justified with respect to the project cost. Overall benefits of the project. So the types of work should be selected considering the economic point of view. Discharge of the drainage. Practically, the discharge of the drainage is very uncertain in the rainy season. So the structure should be carefully selected so that it may not be destroyed due to unexpected heavy discharge of the river or drainage. Construction of problems. Different type of construction problems may arise at the site, such as soil, water, construction material, communication, availability of land. So the types of work should be selected according to the site selection. मैंने तुम लोगों को इसकी problems के बारे में कल बताया है class के अंदर. Construction problems क्या क्या create हो सकती है. फिर ये आखिरी इसका टॉपिक है फ्लूमिंग ऑफ कैनाल. द कॉन्ट्रेक्शन इन द वाटरवे ऑफ द कैनाल विल रिड्यूस द लेंथ ऑफ बैरल और विद द विड्थ ऑफ एक्विडक्ट. दिस इज लाइकली टू प्रोड्यूस इकोनॉमी इन द मेनी केसेस. द फ्लूमिंग ऑफ कैनाल इज जनरली नॉट डन व्हेन द कैनाल सेक्शन इन एम्बेक अर्थन डैम. द मैक्सिमम फ्लूमिंग इज जनरली गवर्न्ड बाय द एक्सटेंट दैट थ्रू should remain subcritical, because if supercritical velocity are generated, then the transition back to the normal section on the downstream side of the work may involve the possibility of formation of hydraulic jump. This hydraulic jump were not especially required and designed for would lead to undue loss of head and large stretch on the work. The extent of fluming is further governed by economy and permissible loss of the head. The greater is the fluming, the greater is the length of transition wing, upstream as well as downstream. This extra cost of transition wing is balanced by saving obtained due to reduction in the width of the aqueduct. Hence, an economical balance has to be worked out for any purpose proposed design. After deciding the normal canal section, the flumed canal section, the transition has to be designed so as to provide a smooth change from one stage to the other. So as to avoid sudden transition and the formation of eddies, etc. For this reason, the upstream or the approach wing should not be steeper than 26.5 and the downstream or departure wing should not be steeper than 18.5. Generally, the normal earthen canal is trapezoidal, while the flumed pakka canal
For this reason, upstream wing approach should not be steeper than 20 CL. Okay, generally, the normal earthen canal is trapezoidal, while the flume pukka canal section is rectangular. It is also necessary to keep the same depth in the normal and flumed section. Rather, it may sometimes be economical to increase the depth and still further reduces the canal channel width in case where a canal encounters the reach of a rocky terrain has to be flumed. Canal through will certainly increase the uplift pressure on the roof as well as the floor of the culverts, thus requiring a large roof and floor section and lower foundation. Due to these reasons, no appreciable economy may be obtained by increasing depth. ये होता है flooming of canal. फिर इसके आखिरी है क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस क्या क्या होंगे, इसके अंदर लिखा होगा मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है ना. इसके अंदर और पढ़ना चाहो तो किताब बुक्स के अंदर और है, बाकी मेन जनरली तीन तीन ही है, ठीक है ना. प्रिवेंट्स वाटर एक्यूमुलेशन, रिड्यूस सॉइल इरोजन. एडवांटेजेस इसका आखिरी है रिमूव टॉक्सिक मटेरियल एंड डिसीज ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना. Disadvantages, expensive होता है, maintenance required होती है, can contaminated bodies of water. ये तुम्हारा हो गया unit 4 आज की तारीख में पूरा complete. ठीक है, ये है तुम्हारी unit 4 complete. अब बताओ इसके अंदर कुछ doubt है या नहीं. अब केवल unit 3 बचेगी, embankment dam और gravity dam. इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. है कुछ डाउट? किसी को भी डाउट हो पूछ लो. दो मिनट रुक जाओ, अटेंडेंस लगा रहा हूँ.